प्यार हमेशा वो अपने मन से करती है, हमसे कहती है कि बीवी के हक से हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन दोस्त क्या क्या पार्डन माई लैंग्वेज, बट जब मेरी बीवी थी तो कहाँ वो मेरी बात मानती थी, आज दोस्त है तो वही कर रही है। तो हम उससे कहते थे, मुँह से निकल जाता कि तुम हमारी बीवी नहीं हो जो फिर से शुरू करी हो, हमारे पूछे बिना हमारा नाम कॉम्पिटिशन में डाल रही है। अरे पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो चीज़ आप अच्छे करती हो लाजमी बात है कि हमेशा वो करना चाहिए। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पर हो सकता है आप वो चीज़ अच्छी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाहर जाके करो दुनिया के सामने। देखिए हर इंसान का कोई मकसद होता है, अच्छा ना। आज अदनान खान बहुत अच्छा चीज़ ऑमलेट बनाता है, तो उसे एक्टिंग छोड़कर, लिखना छोड़कर, फिल्में छोड़कर, टीवी छोड़कर जाके अंडा ऑमलेट थोड़ी बनाना चाहिए, समझ रहे ना आप। एक इंसान की खुद की इच्छा भी होती है, मगर ज़ारा के लिए वो मायने नहीं है, जो उसके उसके मन में सही लगता है वो करती है। लेकिन इस बार तो बात उसकी थी ही नहीं ना, ना हमने उसकी मदद मांगी, ना हमने कहा कभी ये कर लो कभी वो करो। होएगा इंशाल्लाह, देखते हैं ज़ारा क्या कहती है। अगर कोई ऐसी दलीलें रखे हमारे सामने जो हमारे इस नज़रिए को बदल सके तो ठीक है, लेकिन क्या बार बार यही कह रही है हमसे कि तुम्हें वो काम में दिलचस्पी नहीं है। देखिए कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सोसाइटी के हिसाब से करनी होती है, बिकॉज आप उस सोसाइटी में रह रहे हो। अगर आप अकेले रहते हो तो ठीक है, अभी हमारे मन की इच्छा नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें करें, ज़ारा के अब्बा का कर्ज़ा अदा करें, लेकिन इस ज़रिए से नहीं। सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से कभी कभार आपको चलना पड़ता है। आई नो कि आज की दुनिया में ये मानना है कि अपनी दिल की सुनो, लेकिन हर बात आप दिल की नहीं सुन सकते। कभी कभार आपका दिल कहता है अम्मी अब्बू को कुछ बोल दो, है कि नहीं। गुस्से में आकर आपका दिल कहेगा कि अम्मी को चिल्ला दो, अब्बू को चिल्ला दो, आप चिल्लाएंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने कुछ रूल्स रखे, आपके एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वैसे ही। पर ज़ारा को ये बात समझ में नहीं आई।